हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आपके लिए एक मज़ेदार और स्वादिष्ट डोसा रेसिपी। इस रेसिपी में हमने मूंग दाल का भी इस्तेमाल किया है, जो आपके डोसे को और भी हेल्दी बनाता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं डोसा बनाना। मैंने 3 कप चावल लिया है, आप कोई भी चावल ले सकती हैं। मैंने यहाँ डेली यूज़ में जो खाते हैं उसी चावल को लिया है, और साथ में लिया है 1 कप उड़द दाल। मैंने यहाँ धुली हुई उड़द दाल ली है। 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। यह रहा हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मूंग दाल। इसमें हमारा डोसा होगा और भी हेल्दी और टेस्टी। मूंग दाल मैंने 1/2 कप ली है। चावल को अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, और चावल के ऊपर तक पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से चावल भीग जाए। ढक कर रख देंगे। ठीक उसी तरह दाल भी ले अच्छे से धो लेंगे और दाल में पानी डालकर ढक कर रख देंगे। ठीक उसी तरह से मूंग दाल धोकर पानी डालकर ढक दिया है। दाल और चावल को अच्छे से 5-6 घंटे तक भिगो कर रखना है ताकि अच्छे से फूल जाए। 6 घंटे बाद चेक कर लेंगे। चावल देखिए कितने अच्छे से भीग गए हैं। चावल का सारा पानी निकाल लेते हैं। फिर मिक्सी जार में चावल डालकर चावल का जो पानी निकाले थे उसी पानी को हम डालकर चावल को अच्छे से पीस लेते। देखिए चावल अच्छे से पीस गए हैं। चावल को एक बर्तन में निकाल लेंगे, फिर बाकी बचा हुआ चावल भी पीस लेंगे। देखिए दाल और मेथी दाना भी अच्छे से फूल गए हैं। दाल का सारा पानी निकाल लेंगे। मिक्सी जार में दाल डालकर अच्छे से पीस लेंगे थोड़े से पानी के साथ। देखिए दाल कितने अच्छे से पीस गई है। दाल को बिल्कुल स्मूथ पीसना है। ध्यान रहे कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए ताकि डोसा क्रिस्पी बने। अब बैटर को निकाल लेते हैं। देखिए मूंग दाल जल्दी भीग जाती है। उसे भीगने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मूंग दाल को जार में डालकर पेस्ट बना लेते हैं। देखिए कितना फाइन पेस्ट बना है। दाल को निकाल लेंगे। बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। ढककर 10 से 12 घंटे के लिए गर्म जगह रख देंगे ताकि बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाए। देखिए बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया। हमें ऐसा ही बैटर चाहिए था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए बैटर कितना गाढ़ा है। इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर थोड़ा पतला कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 गिलास से थोड़ा कम पानी लिया। इसमें 1 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। देखिए डोसा बनाने के लिए मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है। तवा अच्छे से गर्म हो गया। तवे पर थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर कपड़े से पोंछ लेते हैं ताकि डोसा आसानी से तवे पर फैल जाए। चम्मच से बैटर डालकर अच्छे से फैला लेते हैं। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। डोसे को चारों तरफ 1 चम्मच तेल डाल देंगे ताकि डोसा आसानी से निकल जाए। देखिए डोसा कितने आसानी से निकल रहा है। वह हमारा डोसा तैयार है। इसे सांभर और चटनी के साथ सर्व करें और मज़ेदार स्वाद का मज़ा लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं कि आपने इसे कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मूंग दाल डोसा। इसे घर पर ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।